हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश आईटीआई में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी एक के बाद एक सारी स्टेप वाइज जानकारी आपको बताएंगे कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि dsd.mp.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन कर लेना है। इस टाइप की वेबसाइट का होम पेज आपको दिखाई देगा जिसमें कि आपको प्रवेश वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो प्रवेश वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो इसके बाद आपके सामने तीन ऑप्शन दिखेंगे, प्रवेश सीटों की जानकारी और प्रवेश रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2023 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2023 पर क्लिक करोगे तो इसके बाद एक नेक्स्ट पेज खुलेगा जो कि इस टाइप का रहेगा और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कैंडिडेट रजिस्टर हियर। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और पासवर्ड आ जाएगा जो कि आप यहाँ पर फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पहली बार इस पेज को खोलते हैं, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हरे कलर में लिखा है कैंडिडेट रजिस्टर हियर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें कि आपकी जानकारी मांगी जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना नाम लिखना है इंग्लिश में फर्स्ट वाले ऑप्शन में, और सेकंड में आपको क्या करना है कि हिंदी में जो नाम है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अगर आपका नाम सही आ जाता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो फिर आपको यहाँ पर अपने नाम को हिंदी में लिखना पड़ेगा, या फिर कोई भी करेक्शन करना हो तो आप हिंदी में कर सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश में फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है और ऑटोमेटिक यहाँ पर इंग्लिश में आता जाएगा एक के बाद एक सीरियल वाइज। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जब आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको यहाँ पर फिल करना है, मोबाइल ओटीपी दर्ज करें इस पर। और इसके बाद आपको ओटीपी पुनः भेजे पर क्लिक नहीं करना है, आपको फिर ईमेल डालना है और ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। और फिर आपको इसके बाद जहां लिखा है ईमेल ओटीपी दर्ज करें, यहां पर अपनी ओटीपी को फिल कर देना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो जब आप सबमिट करोगे तो आपके सामने इस टाइप का एक नोटिस आएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी कि आप रजिस्टर्ड हो गए हैं, और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिखा हुआ रहेगा जो कि आपको यहां पर नोट कर लेना है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को। और उसके बाद आपको पुष्टि करें या कंफर्म जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जब क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा जिसमें कि इस टाइप का लिखा हुआ आएगा, आपका विवरण, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, पिता का नाम, जो भी जानकारी आपने इससे पहले वाले पेज में फिल करी थी वो जानकारी यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपका नेक्स्ट जो पेज है वो ओपन होगा जिसमें कि बाकी की जानकारी भरी जाएगी। तो यहाँ पर आप जब कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो इस टाइप का पेज आपके सामने खुलेगा जिसमें कि आपको पूछा जाएगा कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो हाँ करना है, नहीं है तो नहीं करना है। इसके बाद आपको धर्म पूछा जाएगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है आप किस कक्षा के आधार पर आईटीआई में प्रवेश के इच्छुक है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएंगे, अगर आप ओनली 8वीं के आधार पर इच्छुक है तो 8वीं आएगा, ओनली 10वीं के आधार पर है तो 10वीं आएगा, और 8वीं और 10वीं दोनों के आधार पर इच्छुक है तो 8वीं और 10वीं दोनों यहाँ पर आएगा। इसके बाद आपकी अधिकतम योग्यता क्या है, तो यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको फिल कर देना है जो कि 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी हो सकती है। इसके बाद आपको समग्र आईडी फिल करना है, आधार नंबर फिल करना है, और अपने मूल निवासी जिले का नाम फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको जेंडर फिल करना है, मोबाइल नंबर अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, और अगर आप मोबाइल नंबर नहीं फिल करना चाहें तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, एक ही मोबाइल नंबर से काम आपका हो जाएगा। इसके बाद कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, आप एससी एसटी ओबीसी जनरल यूआर किस कैटेगरी से आते हैं वो यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद क्या आप ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको हाँ
हाँ करना है, नहीं है तो नहीं करना है। इसके बाद आपको उससे संबंधित जानकारी पूछी जाएगी कि आपका EWS सर्टिफिकेट कब बना है, किस डेट को बना है और क्या इसके सर्टिफिकेट के नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो आपको क्रिमिलियर या नॉन क्रिमिलियर पूछा जाएगा और वो फिल करने के बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट के और कब बना है ये सारी जानकारी मांगा जाएगा। तो ये सब आपको फिल करने के बाद नेक्स्ट आपको एड्रेस पर आ जाते हैं। तो अब आपका एड्रेस पूछा जाएगा, एड्रेस आपको भरना है अपने आधार कार्ड में देखकर, जो कि यहाँ पर आपको एड्रेस भरना है। इसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेकेंड वाले एड्रेस में ओनली राइट क्लिक कर देना है, जिससे आपके दोनों एड्रेस फिल हो जाएंगे। इसके बाद आपको सबमिट टू सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप सबमिट टू सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पूछा जाएगा कि सेव टू सबमिट, तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। यस पर जब आप क्लिक करोगे तो इसके बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा, जिसमें कि आपकी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा। अब आपको सेकेंड शैक्षणिक योग्यता फिल करनी होगी, तो आपको शैक्षणिक योग्यता या एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। शैक्षणिक योग्यता वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो इसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फिल की थी उसी के आधार पर 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन सभी की जानकारी यहाँ पर मांगी जाएगी, जिसमें कि आपको रोल नंबर पूछा जाएगा, पासिंग ईयर पूछा जाएगा, आपके परसेंटेज कितने हैं ये पूछा जाएगा और कितने टोटल नंबर है और कितने नंबर आपको मिले हैं, ये जानकारी आपकी पूछी जाएगी, जो कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन में फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा इसमें फ़ोटो अपलोड का, तो फोटो अपलोड वाले ऑप्शन पर जब आप इमेज अपलोड पर क्लिक करोगे तो इस टाइप का ऑप्शन आपके सामने दिखेगा, जिसमें कि आपको पहले फ़ोटो अपलोड करना है और उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो दोस्तों, आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय ये ध्यान रखें कि आपका जो फ़ोटो है वो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए और रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। इसके अलावा फ़ोटो की जो साइज़ है वो 100 KB से कम की होनी चाहिए और JPG में फाइल आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट सिग्नेचर अपलोड करने के बारे में, तो आपको सिग्नेचर जो अपलोड करना है वो काले पेन से होना चाहिए और 50 KB से कम साइज का आपका सिग्नेचर यहाँ पर होना चाहिए। इस तरह से आप यहाँ पर अपलोड फ़ोटो वाले ऑप्शन और अपलोड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। इसके बाद ये अपलोड इमेज रेड कलर में जो लिखा है इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद आपके सामने पूछा जाएगा प्रोसीड विथ पेमेंट, तो पेमेंट के लिए आपको आगे बढ़ना है, ये सारी जानकारी चेक कर लेनी है। इसके बाद आपको पेमेंट के लिए आगे बढ़ना है, तो जब आप यहाँ पर पेमेंट के लिए आगे बढ़ोगे तो इस टाइप का आपके सामने ऑप्शन आएगा, जिसमें कि आपको अलग अलग ऑप्शन आएंगे। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI किसी भी माध्यम से यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद फाइनली आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा और आवेदन पत्र प्रिंट करे वाला ऑप्शन जब आएगा तो इस पर क्लिक करोगे आप, तो आपका जो आवेदन पत्र है वो प्रिंट होके आपके मोबाइल में डाउनलोड हो सकता है। तो इस तरह से आपके एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा कंप्लीट कर देना है। आई होप फ्रेंड्स, वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।